हेलो एवरीवन, स्टूडेंट जी के हेल्प यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडीज़ के फर्स्ट लेसन के फोर्थ वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का क्वेश्चन है, प्रबंध एक प्रणाली है, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन 2019 सेट ए में आया था और इस क्वेश्चन को हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। प्रणाली, प्रणाली के मुख्य रूप से अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे व्यवस्था, तंत्र, या फिर इसको हम बोल सकते हैं क्रियाविधि, पद्धति और योजना। तो प्रणाली के बहुत सारी विशेषताएं होती हैं जिसके आधार पर हम प्रबंध को प्रणाली कहते हैं। आज हम जानेंगे कि आखिरकार प्रबंध को प्रणाली किस लिए कहा जाता है, क्योंकि प्रणाली की विशेषताएं होती हैं और इन्हीं विशेषताओं के कारण प्रबंध को भी प्रणाली कहा जाता है। अर्थात ये सारी विशेषताएं कहीं ना कहीं प्रबंध से मिलती। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रबंध एक प्रणाली है। प्रणाली में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक प्रणाली की एक उप प्रणाली होती है। मतलब हर एक प्रणाली की दो या दो से अधिक प्रणालियां हो सकती हैं, जिसको हम उप प्रणालियाँ बोलते हैं। आप देख सकते हैं प्रबंध के सिद्धांत। मुख्य रूप से हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार हमको दो सिद्धांत पढ़ने हैं। प्रबंध एक प्रणाली है, वो इसलिए क्योंकि प्रणाली की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं और इसी विशेषताओं के आधार पर हम प्रबंध को कंपेयर। सबसे पहला पॉइंट है, प्रत्येक प्रणाली के एक उप प्रणाली होती है। जैसे कि आप यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रत्येक प्रणाली की उप प्रणाली होती है, मतलब प्रणाली उसके अंतर्गत बहुत सारी प्रणालियाँ आ सकती हैं। जैसा कि प्रबंध में होता है, प्रबंध के सिद्धांत में देखें तो बहुत सारे विशेषज्ञों के द्वारा बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, पर हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार हमें सिर्फ और सिर्फ दो सिद्धांत पढ़ने हैं। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से प्रणाली की उप प्रणाली होती है, उसी प्रकार हमारे प्रबंध के सिद्धांत में भी बहुत सारे सिद्धांत, अनेक विशेषज्ञों द्वारा बताए गए सिद्धांत हो सकते। प्रणाली की विशेषता का दूसरा पॉइंट है, प्रणाली का निश्चित उद्देश्य होता है। हर प्रणाली का एक उद्देश्य होता है। जब वो उद्देश्य तक पहुँच जाता है तो उसका काम पूर्ण हो जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार प्रबंध के सिद्धांत के अंतर्गत हेनरी फियोल और F.W. टेलर का योगदान है। दोनों की कार्य विधि अलग अलग थी, परंतु उद्देश्य एक ही था, हर उद्योग में एक अच्छा प्रबंध लागू करना। जहां एक ओर हेनरी फियोल जो हैं प्रशासन पर ज़्यादा बल देते हैं, जहाँ दूसरी ओर टेलर का मानना था कि कारखानों में कार्यरत कर्मचारी 50% हरकतें अनावश्यक करते हैं। तो इस प्रकार हेनरी फियोल और F.W. टेलर दोनों की कार्य करने के जो तरीका था वो अलग अलग था, परंतु दोनों का उद्देश्य एक था कि उद्योगों में अच्छा प्रबंध लागू किया जाए। तो इस प्रकार से प्रबंध जो है प्रणाली है, अर्थात प्रणाली में निश्चित उद्देश्य होते हैं, उसी तरह प्रबंध के भी एक निश्चित उद्देश्य। प्रत्येक प्रणाली की विशेषता में तीसरा पॉइंट है, प्रत्येक प्रणाली सभी प्रणालियों से समन्वय बनाए रखती है। उसी तरह जिस प्रकार नियोजन के बाद संगठन, संगठन के बाद नियुक्तिकरण, नियुक्तिकरण के बाद निर्देशन और अंत में नियंत्रण किया जाता है। एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण के लिए एक बड़े से उद्योग को स्थापित करने के लिए पहला काम जो होता है वो नियोजन का होता है। उसके पश्चात संगठन का काम होता है। संगठन अर्थात उद्योग के लिए, उत्पादन के लिए जितने भी संसाधन हैं, याद होगा आपको उत्पादन के हमने 5 सिद्धांत पढ़े हैं, तो जितने भी संसाधन होते हैं उनको इकट्ठा करना, संगठित करना। उसके बाद तीसरा काम होता है नियुक्तिकरण का। जब ये दो काम पूर्ण हो जाते हैं उद्योग में, तो उसके पश्चात नियुक्ति की जाती है कर्मचारियों की। कर्मचारियों के नियुक्ति करने के बाद उनका निर्देशन करना जरूरी होता है। निर्देशन करने के बाद अंत में नियंत्रण कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रबंध भी एक प्रणाली की ही भांति है, क्योंकि प्रणाली में सभी प्रणालियों के समन्वय बनाए रखा जाता है।
और उसी तरह जिस तरह प्रबंधकीय कार्यों में सभी कार्यों के बीच समन्वय स्थापित होता है, एक प्रणाली को अन्य प्रणाली से अलग नहीं किया जा सकता। आप यदि प्रबंधकीय कार्यों में किसी एक कार्य को हटा दें तो क्या उद्योग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा? इसका जवाब है नहीं। तो इस तरीके से जिस तरीके से हम प्रणाली में अन्य प्रणाली को अलग नहीं कर सकते, अर्थात प्रणाली के अंतर्गत जितने भी उपप्रणाली पाए जाते हैं उनको हम अलग नहीं कर सकते, उसी तरह जिस तरह प्रबंध में बहुत सारे प्रबंधकीय कार्यों को अलग नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रणाली की विशेषता का सबसे अंतिम पॉइंट, जो है प्रणाली में संदेश वाहन गतिमान रहना चाहिए, जो संदेश है उनका निरंतर प्रवाह होता रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ डायग्राम बना हुआ है। प्रबंध के अंतर्गत बड़े बड़े उद्योग में फर्म में तीन स्तर होते हैं। पहला होता है उच्च स्तर, जिसमें मुख्य अधिशासी, अध्यक्ष, प्रबंधक, संचार, वरिष्ठ अधिशासी और महाप्रबंधक आ जाते हैं। दूसरा होता है मध्य स्तर, और मध्य स्तर में विभागाध्यक्ष, उसका उप विभागाध्यक्ष और उत्पादन तकनीकी अधिकारी होते हैं। इसके अलावा निम्न स्तर में कार्यालय प्रबंधक, अधीक्षक, जनरल फॉरमैन और पर्यवेक्षक होते हैं। अब यहाँ पर संदेश वाहन जो है, जो संदेश है, इन्फॉर्मेशन जो है, आदेश या निर्देश के रूप में उच्च से निम्न की ओर प्रवाहित होता है, वहीं निवेदन जो है निम्न से उच्च स्तर की ओर प्रवाहित होता है। तो ये सिलसिला जारी रहता है, अर्थात कहा जा सकता है कि जिस प्रकार प्रणाली में संदेश वाहन गतिमान होता है, उसी तरह हमारे प्रबंध के जितने भी स्तर होते हैं उसमें भी संदेश वाहन गतिमान होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक प्रणाली है। तो आज हमने देखा प्रबंध एक प्रणाली है, पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रबंध एक प्रक्रिया है, और इनके दोनों अलग अलग सेपरेट क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। और पिछले वीडियो में मैंने आपको विशेषता एवं महत्व वाले टॉपिक में मैंने प्रबंध एक प्रक्रिया है इसको एक्सप्लेन किया था। आज का ये टॉपिक बिल्कुल हटकर था, परंतु प्रबंध एक प्रक्रिया है इसी तरीके का एक और क्वेश्चन बन सकता है, तो आप दोनों का प्रिपेयर करें अच्छे से। और एक बात आपसे जो कहनी है वो है, जानते हैं आप कि COVID-19 पेंडेमिक की वजह से अब स्कूल और कॉलेज 31 जुलाई तक पोस्टपोन हो चुके हैं। अब शिक्षक और विद्यार्थी का प्रत्यक्ष रूप से अध्यापन या अध्ययन कार्य नहीं हो सकता, तो इसके लिए स्टूडेंट से विनती है कि आप घर में रह कर के यदि फ्री होते हैं तो वर्चुअल क्लास अटेंड करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये यूट्यूब चैनल में वीडियो डालने का मकसद इतना ही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यार्थी होते हैं उनके पास नेटवर्क की समस्या है और वो वर्चुअल क्लास अटेंड नहीं कर सकते, इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल में ये वीडियो अपलोड किया है, ताकि आपको हल्का सा भी यदि कवरेज कहीं दिखता है तो YouTube के माध्यम से आप वीडियो को डाउनलोड कर लें और अपने स्टडीज जारी रखें। कि शिक्षक इस तरीके से शिक्षक अपना पूर्ण योगदान दे रहा है, परंतु यह योगदान तब तक सफल नहीं होगा जब तक आप इस योगदान में सहभागी नहीं बनेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप वर्चुअल क्लास अटेंड करें, और यदि YouTube में आपको ऐसे स्टडी कंटेंट मिलते हैं तो उसको कॉपी में नोट डाउन करके एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, ताकि आप जब भी एग्ज़ाम में बैठें तो आसानी से अपने उत्तर लिख सकें।